रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे तनु। धर्म गंगा में प्रस्तुत है आचार्य अनिल वत्स जी की एक सोशल मीडिया प्रस्तुति। क्यों शिवजी ने शनि देव को पीपल के पेड़ पर 19 सालों तक लटकाए रखा था। शनिदेव ग्रह और देवता दोनों रूप में पूजे जाते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव का पूजन किया जाता है। शनिदेव व्यक्ति को उनके अच्छे और बुरे कर्मों के फल प्रदान करते हैं। इसी कारण इन्हें कर्म दंडाधिकारी का पद प्राप्त है। ये पद उन्हें भगवान शंकर से प्राप्त है। ऐसे में यदि शनि देव रूठ जाएं तो बड़ा नुकसान होता है और इनके रूठ जाने से व्यक्ति के जीवन में बुरे प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन अगर शनि देव प्रसन्न हो जाएं तो सारी बला टल जाती है। मूलतः शनि कर्म प्रधान ग्रह है, जिसका पुराणों में साकार दार्शनिक चित्रण किया है। शास्त्र के अनुसार शनि देव के अधिदेवता ब्रह्मा व प्रत्यधिदेवता यम है। कृष्ण वर्ण शनि देव का वाहन गिद्ध है और ये लोह रथ की सवारी करते हैं। शनिवार की दृष्टि के प्रभाव से इनके पिता सूर्य देव को कुष्ठ रोग हो गया था। कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति पर इनकी कुदृष्टि पड़ जाती है तो वो राजा से रंक बन जाता है। इंसान ही नहीं बल्कि देवी देवता भी इनके प्रकोप से डरते हैं। वैसे यदि आप शनि देव के भक्त हैं तो क्या आपको पता है कि भगवान शिव ने शनि देव को पीपल के पेड़ पर 19 सालों तक लटकाए रखा था? जी हाँ, सुनकर आपको यकीन तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है और आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव ने अपने पुत्रों को उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें विभिन्न लोकों का अधिपति प्रदान किया था, परंतु असंतुष्ट शनि देव ने उदंडतावश पिता की आज्ञा की अवहेलना करते हुए दूसरे लोकों पर भी कब्जा कर लिया। ऐसे में सूर्य देव के निवेदन करने पर भगवान शंकर ने अपने गणों को शनि देव से युद्ध करने भेजा, परंतु शनि देव ने उन सभी गणों को परास्त कर दिया। उसके बाद विवश होकर शिवजी को ही शनिदेव से युद्ध करना पड़ा और उन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। कहा जाता है कि इस भयंकर युद्ध में शनिदेव ने भगवान शंकर पर मारक दृष्टि डाली। तब महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर शनि तथा उनके सभी लोकों को नष्ट कर दिया। और केवल यही नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल के अचूक प्रहार से शनि देव को संज्ञा शून्य कर दिया। इसके बाद शनि देव को सबक सिखाने के लिए भगवान शंकर ने उन्हें 19 वर्षों के लिए पीपल के वृक्ष से उल्टा लटका दिया। कहते हैं इन वर्षों में शनि देव भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन रहे। इसी कारण शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है। परंतु पुत्र मोह से ग्रस्त सूर्य ने महादेव से शनि का जीवन दान मांगा। उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर न केवल शनि देव को मुक्त कर दिया बल्कि अपना शिष्य बनाकर उन्हें संसार का दंडाधिकारी भी नियुक्त कर दिया। तो दोस्तों,
आप सुन रहे थे आचार्य अनिल वत्स जी की एक सोशल मीडिया प्रस्तुति। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ, तब तक यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। रेडियो हिंदुस्तान।